नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा में। हम हमेशा अपने चैनल में आपको किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं, जिसमें हम आपको किडनी खराबी की वजह से लेकर उसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बताते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताते हैं कि किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी चाहिए। आज का हमारा विषय कुछ अलग है और कुछ खास भी है। आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स जो किडनी की कार्यक्षमता को सुधार सकते हैं, जिससे किडनी स्वस्थ रहेगी, साथ ही बॉडी के बाकी अंग भी अपना काम ठीक ढंग से कर सकेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय पर, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वर्तमान समय में किसी चीज का सबसे ज्यादा अभाव है तो वो है वक्त। जब आपके पास वक्त की कमी होती है तो आप अपने स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। ऐसे में अगर आपको छोटी मोटी बीमारी जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी और दर्द हो तो अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं या फिर अपने मन से कोई दवाई ले लेते हैं। आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आपका इस तरह अपने मन से दवा लेना किडनी के लिए कितना भारी पड़ता है। जब आपकी किडनी डैमेज हो जाती है तो इसका असर पूरी बॉडी पर पड़ता है, जिससे बॉडी में कई दिक्कतें होने लगती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी किडनी के लिए करते क्या है? अनावश्यक खाना किडनी को खराब करने का कारण होता है, क्योंकि इससे आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और इन्फेक्शन जैसा खतरा होता है। ये तीनों कारण किडनी को खराब करने में अहम भूमिका रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपकी किडनी खराब होती है और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि इसके लक्षण आपको जल्दी नजर नहीं आते। इसलिए इस बीमारी को साइलेंट किलर कहा जाता है, या फिर यूं कहा जाए कि लक्षण नजर तो आते हैं पर ज्यादातर लोगों के पास इतना समय नहीं कि इन पर गौर कर सकें। आप हमारी इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे इसकी कार्यक्षमता में सुधार ला सकते हैं। सबसे पहला है डाइट। किडनी बीमारी और उसके इलाज में सबसे जरूरी है आपकी डाइट, जो बेहतर होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी डाइट में कोई भी ऐसी चीज लेते हैं जो आपके शरीर के बाकी अंगों को प्रभावित करती है, तो यूं समझ लीजिए कि ये आपकी किडनी पर भी जरूर असर डालती है। किडनी की फंक्शनिंग को सुधारने के लिए अपनी डाइट में कुछ बदलाव करें। इसके लिए सबसे पहले सुबह उठकर चाय या कॉफी का सेवन करने से बचें। अगर आपको सुबह उठकर चाय पीने की आदत है तो आप आधा कप काली चाय ले सकते हैं या फिर आप गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। अधिक चाय या कॉफी का सेवन बॉडी में कैफीन की मात्रा को बढ़ा देता है, जो न सिर्फ किडनी को डैमेज करता है बल्कि हाई ब्लड प्रेशर का शिकार भी बना सकता है। अगर आप अपनी डाइट में कुछ बदलाव करते हैं तो आपको अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल नहीं करना होता जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोरस पाया जाता हो। ऐसी चीजें आपके ब्लड में क्रिएटिनिन के स्तर को बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा आप प्रोटीन लॉस जैसी परेशानी के शिकार भी हो सकते हैं। अपनी डाइट में आप स्प्राउटेड ब्रेड, सोया मिल्क, ड्राई फ्रूट, दूध, दही, टोफू, पनीर, अंडा, दलिया, ब्रोकली, इनका सेवन अधिक ना करें। इन सभी चीजों में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है जो किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर बात फलों की करें तो आपको बता दें, ऐसे फलों का सेवन ना करें जिसमें बहुत अधिक मात्रा में प्यूरिन पाया जाता हो। ऐसे फल यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं जिससे किडनी के काम में असर पड़ता है। फलों में आप केला, संतरा, कीवी, अनार, आड़ू, आलू बुखारा, लीची और आम, इन सभी फलों का सेवन अधिक मात्रा में न करें। जिनकी किडनी में कोई खराबी है उन्हें सभी फलों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अपने रोज की डाइट में सेब को जरूर शामिल करें। सेब में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। इससे आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचे रहते हैं। इनके साथ ही आप पपीता, नाशपाती, बेरी और अमरूद का सेवन करें। किडनी के मरीज ध्यान रखें कि अमरूद का सेवन बीज निकाल कर ही करें। अब बात करते हैं सब्जियों की, तो आप अपनी डाइट में घिया, टिंडा, तोरी, पत्ता गोभी और परवल को शामिल करें। इसके अलावा आप जो भी सब्जी खाएं उन्हें हफ्ते में केवल एक बार ही खाएं। अनाज में गेहूं के आटे की रोटी, धुली मूंग दाल, अरहर दाल और चावल, वो भी उबाल कर ही प्रयोग करें।
इसके अलावा अगर आप अपने जीवन में योग और व्यायाम को जगह देते हैं तो भी आप अपनी किडनी की कार्यक्षमता को सुधार सकते हैं। किडनी की फंक्शनिंग को सुधारने के लिए सोने से लेकर जागने तक के समय में बदलाव करने होंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप रोज सुबह जल्दी जागें और व्यायाम करें, सैर करने जाएं। अगर आप कुछ योग आसन कर सकते हैं तो वो भी करें। इन सभी से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, साथ ही किडनी की कार्यक्षमता को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये हैं कुछ ऐसे टिप्स जो आपको और आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, आज एक और पेशेंट जुड़े हैं, अमीना बेगम। कहाँ के रहने वाले हैं? मुगल जरा यूपी। डॉक्टर बोल दिया कि डायलिसिस करवाना है, तो मैंने डायलिसिस नहीं करवाया। मैं गरीब खानदान की लड़की हूँ। डॉक्टर, डायलिसिस की जरूरत भी नहीं है आपको? जी डॉक्टर साहब, था तो ये मतलब ये मना नहीं करवाएंगे। अच्छा, और हमें हमसे भी मतलब दोस्त लोग एडवाइस करते हैं कि वो करवाना होता है डायलिसिस, मत करवाना, फिर उसके बाद ज्यादा पेशेंट कमजोर होने लगते हैं। इसलिए सर पेट नहीं जो था वो नहीं गया। जांच कहाँ से कराई है आपने सारी? ये सर बेचू कर 8.9 ट्रीटमेंट, वाराणसी BHU की जाँच है, 8.9 ट्रीटमेंट था और बाकी सारी चीजें भी डिस्टर्ब चल रही थी। 2 अक्टूबर 2019 8.9 से 5.8 हो गया और बाकी सारी चीजों में भी इम्प्रूवमेंट नजर आई, यूरिया भी रिड्यूस हुआ अच्छे से। उन्होंने सब चीजें लग के फॉलो करी, डायलिसिस से पेशेंट टोटली बाहर आ चुके हैं, साथ साथ जो फिजिकल लेवल का प्रॉब्लम थी उसको भी उन्होंने मार दिया। बहुत अच्छे रिजल्ट, फिजिकली भी काफी दिक्कत हो रही थी उस समय। जी डॉक्टर साहब, बताएं क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, बताएं कुछ। डॉक्टर साहब, चक्कर, घूमता, झुंझुनाहट, थकाली, बेचैनी, घबराहट, रात को नींद नहीं आती थी, उल्टी, एकदम देख में चले थे बस। डॉक्टर साहब, किसी से बोलने का मन नहीं करता। अच्छा, अब तो ठीक लग रहा है? आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।